सोलन नगर निगम का हाउस 3 दिनों से चल रहा है, जिसमें नगर परिषद मेयर और पार्षद सोलन के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ा मंथन पानी की कम कीमतों और घरों से निशुल्क कूड़ा उठाने के लिए चल रहा है। कांग्रेस के पार्षद और मेयर शहर को सस्ती दरों पर पानी देने के लिए राजी है और वह सस्ता पानी देने को तैयार है, लेकिन भाजपा पार्षदों का कहना है कि इस निर्णय से नगर निगम को लाखों रुपए का घाटा होगा। इस घाटे को कैसे पूरा किया जाएगा, पहले इसके बारे में मेयर उन्हें अपना प्लान बताए। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश कश्यप ने भी कांग्रेस नगर निगम को घेरते हुए कहा कि किसी नौसिखिए ने कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाया था, जिसमें बिना सोचे समझे बिना बजट के ही सोलन वासियों को सस्ता पानी देने की घोषणा कर दी। उनके द्वारा सोलन शहर वासियों को गुमराह किया गया है। समय बीतता जा रहा है, वह स्पष्ट करे कि वह कैसे और कब सोलन शहर वासियों को सस्ता पानी और निःशुल्क कूड़ा उठाने की सुविधा देंगे। भाजपा वरिष्ठ नेता राजेश कश्यप ने कहा कि नगर निगम को बने 6 माह से अधिक का समय हो चला है, लेकिन कांग्रेस पार्षदों और नेताओं द्वारा सोलन की भोली भाली जनता को निःशुल्क कूड़ा उठाने की सुविधा और सस्ता पानी देने का वायदा किया था। उस वायदे का क्या हुआ और कब वह सोलन की जनता को राहत प्रदान करेंगे? उन्होंने कहा कि सोलन की जनता की आंखों में केवल धूल झोंक कर उन्होंने सत्ता को हथियाया है। वास्तव में कांग्रेस नगर निगम कुछ करने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा केवल सोलन की जनता को वादा कर ठगा गया है। उन्होंने बताया कि वह अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वह केवल अपने बयानों से सोलन की जनता को खुश करना चाहते हैं। जो वादे हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन के टाइम में वादे करती है, उन वादों को करने से पहले जो है पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक दल को अपनी पहले जो तिजोरी है या जो एक प्लानिंग है, DPR है, वो बनानी चाहिए और उनको ये देखना चाहिए कि भी क्या आप अमुक जो भी आप वादा कर रहे हैं उसके लिए आपके पास धन है या ऐसी व्यवस्था है ताकि आप अपना जो है जो वादा उसको पूरा कर सके। अब जो कांग्रेस पार्टी ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सोलन के इलेक्शन के दौरान वादा किया कि हम पानी देंगे सस्ता या मुफ्त में और कूड़ा भी मुफ्त में उठाएंगे, और आज लगभग मेरे ख्याल 6 महीने होने को आए हैं और उनका किया हुआ वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ है। सोलन की जनता उनसे पूछ रही है कि आपने जो वादा किया था उसको पूरा करो, और पूरा नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण बताओ। और जिस तरह से जो है यहाँ के जो हमारे मेयर साहिबा है, उन्होंने ये कहा है कि हमने जो है फाइल गवर्नमेंट को भेज दी है, अब उनके कोर्ट में है। जो राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसको जो है पुनः इस पे जो है विचार करना चाहिए वो किस तरह का वादा जो है कर रही है। झूठ का पुलिंदा ही लग रहा है, क्योंकि अगर पहले इस पे उन्होंने थोड़ा विचार विमर्श किया होता, विद इन दी पार्टी किया होता, कुछ जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी पार्टी के या जो शहर में भी माने हुए लोग हैं उनसे पूछा होता, तो इस तरह का वादा जो करने से पहले वो ज़रूर आज जो है उस तरह का वादा पूरा करने में सफल होते। बिल्कुल 100% मैं ये कहता हूँ कि ये जो वादा है ये एक वोटर्स को ठगने का वादा था, उन्होंने ठगा है वोटर्स को, और आज वो जब पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो अब वो जो है इधर उधर की हाँक रहे हैं।